क्या आज पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के नजरिए और फलसफे की बुनियाद पर खड़ा है? क्या हमारे मौजूदा सियासतदानों में कोई ऐसा रहनुमा मौजूद है जो कायदे आजम के नजरिए पर चल रहा है? हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला आखिर है क्या? कभी आपने सोचा कि इस मुल्क की कौन सी जमात है जो वाकई आवाम के साथ मुखलिस है और वो हकीकी मायनों में लोगों के दुखों का मदावा कर सकती है? आइए जानते हैं कि इस मुल्क के साथ हमारे अरबाब इख्तियार ने क्या खेल खेला है जिसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज दिल पर हाथ रखकर फैसला कर ही लें कि कौन मुल्क को सही तरीके से चला सकता है, बल्कि इससे पहले पाकिस्तान को चलाने की सिमत का तायुन भी कर लें कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सिमत क्या है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम और दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की वफात और कायदे मिल्लत लियाकत अली खान की शहादत के बाद सियासतदान एक एक करके इक्तदार में आते रहे, मगर हमारे सियासतदान मुल्क का इस्लामी आईन नहीं बना सके। इसी पर हमारे असली दुश्मन भारत के वजीर आजम नेहरू ने फिक्रा कसा था कि पाकिस्तान में इतने वजीर आजम तब्दील होते हैं जितनी मैं धोतियां भी तब्दील नहीं करता। सियासतदान कायदे आजम के विजन के मुताबिक पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं कर सके, बल्कि मुस्लिम लीग के खोटे सिक्कों ने यहाँ तक कह दिया था कि इस दौर में 1400 साल पुराना इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम नहीं हो सकता, जबकि कायदे आजम की तहरीक पाकिस्तान के दौरान बर्रे आजम के मुसलमानों के सामने इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम होने के 100 से ज़्यादा तकरीरें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। कायदे आजम ने खुद पाकिस्तान बनने के बाद नौ मुस्लिम अल्लामा असद को मुल्क में इस्लामी आइन बनाने के लिए अपने हाथ से बनाए गए इदारे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट का सरबरा बनाया था। इस इदारे का काम मुल्क के आइन और निज़ाम को इस्लाम के मुताबिक बनाना था, मगर कायदे आजम की वफात के बाद मुस्लिम लीग हुक्मरानों ने अल्लामा असद को इस काम से हटाकर बैरून मुल्क सफीर बनाकर भेज दिया। कायदे आजम ने मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी को इस काम पर लगाया कि वह हुकूमत को बताएं कि किस तरीके से मुल्क के निज़ाम को इस्लामी बनाया जाए। सैयद अबुल आला मौदूदी ने इस सिलसिले में रेडियो पाकिस्तान से अपनी नशरी तकरीरों में वो तरीके बताए जो अब भी रेडियो पाकिस्तान के रिकॉर्ड और किताबी शक्ल में मौजूद हैं। सैयद मौदूदी को भी इस जुर्म में जेल में बंद कर दिया गया कि वह मुल्क में इस्लामी निज़ाम हुकूमत की कोशिशें करते हैं। भुट्टो ने कायदे आजम के विजन से हटकर इस्लामी सोशलिज्म को फरोग दिया। मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ ने कायदे आजम के दो कौमी नज़रिए से हटकर भारत से आए दानिश्वरों के इज्तिमा में कहा कि हम मुसलमान और हिंदू एक कौम हैं, एक जैसा खाते पीते और पहनते हैं, सिर्फ एक लकीर ने हमें अलहदा किया हुआ है। इमरान खान ने भी अपने दौरे हुकूमत में सिर्फ जबानी बातें की, मदीना के इस्लामी रियासत की रट लगाई, मगर अमलन इस्लाम से इन्हराफ किया। अब आइए करप्शन की बात करते हैं। पाकिस्तान में करप्शन जोरों पर है। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की वफात और पाकिस्तान के पहले वजीर आजम नवाब ज़ादा लियाकत अली खान की शहादत के बाद सियासतदानों ने सियासत को इंडस्ट्री की शक्ल दे दी। एक करोड़ लगाओ, इलेक्शन जीतने के बाद अरबों की करप्शन करो, जब पकड़े जाने का खदशा हो तो इक्तदार में रहते हुए करप्शन का रिकॉर्ड ही जला डालो, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। जैसे नेब के सरबरा ने आसिफ अली जरदारी के मेगा करप्शन के मुकदमात ये कहकर दाखिले दफ्तर कर दिए थे कि फोटो स्टेट पर मुकदमा नहीं चल सकता, क्या रिकॉर्ड जलवाने की तहकीक भी नहीं होनी चाहिए थी? क्या इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे नहीं चल रहे? नवाज शरीफ से किसी सहाफी ने सवाल किया कि आपके असासे आपकी आमदनी से ज्यादा है, जवाब दिया कि आपको इससे क्या कि मेरे असासे आमदनी से ज्यादा है। एक दफ़ा ये भी सुना गया कि जो करप्शन करता है वह रिकॉर्ड नहीं छोड़ता। बेनज़ीर साहिबा ने वज़ीर आज़म होते हुए बयान दिया था कि लोग पाकिस्तान से बाहर असासे इसलिए रखते हैं कि यहाँ असासे महफूज नहीं रहते। क्या वज़ीर आज़म का ये काम नहीं होता कि वो अपनी आवाम के असासों को अपने मुल्क में महफूज बनाएं? ये तो चंद वाक़यात मरकज़ी सियासतदानों के बयान किए, इससे नीचे के सियासतदानों की करप्शन के हालात सबको मालूम हैं। इन हालात में अब जब तमाम सियासतदानों से भी लोग तंग आ चुके हैं, महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है, तो क्या किया जाए? तो क्या फिर से आजमाई हुई पीपल्स पार्टी और नून लीग को इक्तदार में आना चाहिए? क्या मुल्क को इस्लामी विजन से हटाने, करप्शन करने और मुल्क में महंगाई पैदा करने में इन तीनों पार्टियों का दखल नहीं? तो फिर कौन सा ऐसा सियासतदान है जो जिना के नज़रिए पर हो?
عوام بھی اس پر غور کرے اور غور کرنے والے امریکہ اور مغربی دنیا کے شہر سے نکلے, خاص کر پاکستان کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بھی اپنی سمت درست کرے. اسلامی نظام رضائے الہی کا حصول ہے. اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور انبیاء کی پیروی اختیار کریں. دو رنگی اور منافقت چھوڑ دیں اور اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیاں جمع نہ کریں. اب یہ عوام کا کام ہے کہ صحیح اور درست کا فیصلہ کرے. بار بار آزمائے جانے والوں کو پھر سے نہ آزمائے. جب ہم اللہ کے بندے بنیں گے تو پھر اس ملک پاکستان پر اللہ آسمان سے رزق نازل کرے گا, مہنگائی ختم ہو جائے گی, نوکریاں ملیں گی, عوام کو عزت و وقار ملے گا, ملک میں امن و امان ہو جائے گا. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان.